आज हम लोग जबरदस्त चैप्टर शुरू करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन अपन किसी भी रैंडम ईयर का, अगर अपन आईआईटी जेई का पेपर उठाते हैं, किसी भी ईयर का आप उठा लीजिए, तो हर साल के आईआईटी जेई पेपर का मैथ्स का कट ऑफ होता है। तो कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे इतना पूछा जाता है कि अगर आप केवल कोनिक सेक्शन ही करके बैठ जाए तो भी किसी भी ईयर के आईआईटी जेई के मैथ्स का कट ऑफ निकल जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। जो आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस है उसका ऐसा पार्ट है जो आपको मैथ्स का कट ऑफ निकलवा सकता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन की दुनिया में खोए, कोनिक सेक्शन के बारे में जाने, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़े, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। इसकी बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। सबसे पहले हम लोग टॉक करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। इससे पहले हम कोनिक सेक्शन को जाने, पहले उसकी फंडामेंटल बेसिक बातों को जाने। भाई सबसे बेसिक चीज सबसे पहले जो आती है वो आती है डेफिनेशन। किसी भी चीज, कोई आपसे सिंपल तीन वर्ड बोले व्हाट इज अ कोनिक सेक्शन, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज को अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आखिर है क्या। चलो बात करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन, व्हाट इज कोनिक सेक्शन, और इसका जवाब देते हैं क्या है कोनिक सेक्शन। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है कि कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इन अ टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड। ये है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। और डेफिनेशन को समझे, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे, ऐसे लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। कोनिक सेक्शन ऐसे पॉइंट का लोकस है, कोनिक सेक्शन ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है, कोनिक सेक्शन ऐसे पॉइंट का ग्रुप है विच मूव इन सच अ वे, इस प्रकार से चलते हैं ताकि इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। कोई भी ऐसा कर्व जिसके सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को, इस पर्टिकुलर बात को फॉलो करे, क्या बात है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं फोकस। कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट की दूरी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट लाइन, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसका नाम क्या है, फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। जब भी लाइन से डिस्टेंस की बात की जा रही है उसका मतलब हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी लाइन से डिस्टेंस की बात की जाएगी उसका मतलब हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लीजिए पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जो पीएस अपॉन पीएम की वैल्यू ये पॉइंट देगा, वही पीएस अपॉन पीएम की वैल्यू ये पॉइंट देगा, वही पीएस अपॉन पीएम की वैल्यू ये पॉइंट देगा। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पीएस अपॉन पीएम का जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा फिक्स निकल के आएगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट निकल के आएगा। और अगर ऐसा कोई भी कर्व है जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि पीएस अपॉन पीएम हमेशा फिक्स निकल के आए उसके हर एक पॉइंट के लिए, तो इस पर्टिकुलर कर्व को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। यह है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। और यह जो कांस्टेंट रेशियो है यह कहलाता है इसेंट्रिसिटी, इसको डिनोट करते हैं इस, दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। तीन इंपॉर्टेंट चीज, फिक्स्ड पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं और वो कहलाता है फोकस। फिक्स्ड लाइन का कोई नोटेशन नहीं है,
लेकिन वो होती है इस कर्व की डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड रेशियो है वो कहलाती है इसेंट्रिसिटी। या जो प्रॉपर्टी कि पीएस अपॉन पीएम हमेशा कांस्टेंट रहे, या प्रॉपर्टी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को लेकर डिफाइन की गई है, तो इस प्रॉपर्टी को कभी कभी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। आप आसान भाषा में बोलने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि कोनिक सेक्शन एक ऐसा कर्व है जो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कोई भी कर्व जो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वह कहलाएगा कोनिक सेक्शन। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट की दूरी फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय उस पॉइंट की दूरी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहे। दिस इज नोन एज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ये हो गई पूरी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। कॉपी कर लीजिए। तो हमने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखी। अच्छा, आपने अगर एक बात गौर की हो तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी का जिक्र आता है, जो कि हमने बहुत अच्छे समझ ली। लेकिन कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होना ही चाहिए, या ऐसा भी नहीं कहा गया है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। आइए इस बात को देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट ऑल कर्व्स डू वी गेट बाय फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। कौन कौन से कर्व हमको फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से मिलते हैं? ऐसे कौन कौन से कर्व हैं जो कि हमको फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से मिलेंगे? देखिए, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी में तीन चीजों का जिक्र है, या तीन चीजें आती हैं, फोकस डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। अच्छा, इस डेफिनेशन में जो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है कि नहीं। तो आइए देखें कि क्या क्या कर्व फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से मिलेगा। मान लीजिए आपको गिवेन फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी, मान लीजिए आपको फोकस दे दी गई, डायरेक्ट्रिक्स दे दी गई, इसेंट्रिसिटी दे दी, तो सबसे पहले दो बातें, या तो आप बोलेंगे कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, या दूसरी बात है Does not lie on directrix. हमको focus lie on directrix या focus does not lie on directrix की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो definition हमने पढ़ी या जो मैंने जो definition पढ़ाई उसमें इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं। इसे ध्यान सुनेंगे, या तो focus directrix के ऊपर होगा या focus directrix के ऊपर नहीं होगा, दो ही बातें होंगी। Either the focus will be on directrix or the focus will not be on डायरेक्ट। चलो अच्छा देखते हैं, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हो गया, अब थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हो गया, सोच ये डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस इसी के ऊपर, अब मान लीजिए जो है इसेंट्रिसिटी, अगर इसेंट्रिसिटी जीरो है, अब सोचिए पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू जीरो आ गई, इसका क्लियरली मतलब हो गया पी एस की वैल्यू जीरो आ गई। फोकस से पॉइंट की दूरी जीरो कब होगी? जब पॉइंट खुद फोकस हो, यानी इसेंट्रिसिटी जीरो है, हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन फिर भी इसेंट्रिसिटी जीरो में आपको सिर्फ मिलेगा पॉइंट, दैट इज फोकस इटसेल्फ, सिर्फ फोकस ही मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर अपन एक और केस लेते हैं कि जो इसेंट्रिसिटी है वो जीरो से वन के बीच में हो। अब आओ देखते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है P और हम चाहते हैं PS, PS अपॉन PM अगर E के बराबर है और E 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि PS अपॉन PM 1 से छोटा तो PS PM से छोटा, ऐसे पॉइंट। आओ देखें, मान लीजिए कोई भी पॉइंट P आप यहां पर ले लेते हैं, अब ये डिस्टेंस पीएस हो गई। अब पीएम का मतलब क्या है? पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
कभी भी लाइन से दूरी की बात करते हैं तो लाइन से दूरी का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, वैसे तो आप लोगों के पास काफी है लेकिन लगाओ, है ना, हर चीज दिमाग से समझनी है, दिमाग को ही शार्प करना है, क्योंकि यही इकलौती चीज है जो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड है। ना तो आपकी नोट्स कॉपी काम में आने वाली है और ना ही आपका कैलकुलेटर काम में आने वाला है। हॉल के अंदर इकलौती चीज जो ले जा सकते हैं वो दिमाग है, इसलिए इसको थोड़ा शार्प। अच्छा अब देखेंगे ध्यान से, पीएस और पीएम ये आगे हमारे पास निकल। अब ऐसा अगर इसी के ऊपर देखो, जब भी आप पी से परपेंडिकुलर डालेंगे एम, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। जो एम पॉइंट होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अच्छा एम के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगी, तो पीएस हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बनेगी। कोई भी ट्रायंगल आप बना ले, कोई भी ट्रायंगल कहीं पर भी पॉइंट पी ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं पी यहां ले लेता हूं, तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे एम के लिए और पीएसएम जोड़ेंगे तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज बने, हमेशा। और हाइपोटेन्यूज कभी भी साइड से छोटी नहीं हो सकती, तो इस केस में आपको कोई लोकस मिलेगा ही नहीं, यानी ऐसा कोई पॉइंट पी मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट पी एग्जिस्ट ही नहीं करता ताकि पीएस पीएम से छोटा हो। तो अगर इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में तो हम कह देंगे नो लोकस, ऐसा कोई पॉइंट पी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान देखें क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि पीएस जो ट्रायंगल बनेगा पीएसएम, तीन पॉइंट है पीएसएम, जो ट्रायंगल पीएसएम बनेगा पीएस हमेशा इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो पीएस कभी भी पीएम से छोटी नहीं होगी। अच्छा एक और केस लेते हैं, मान लीजिए इसेंट्रिसिटी 1 हो, अब इसेंट्रिसिटी 1 होगा यहीं पर देखें। अब सोचो अब की बार ये फोकस है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो गई यानी पीएस और पीएम दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पी पॉइंट से जितनी दूरी एस की है उतनी दूरी पी पॉइंट से एम की है? सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि पी पॉइंट से जितनी दूरी एस की है उतनी ही दूरी एम की है? मैं बताता हूं, अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ले जो कि इस लाइन के डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से ही निकले, तो इस पर अगर आप कोई भी पॉइंट पी लेंगे और यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर खुद ऐसे ही निकल के आ जाएगा, और इस स्थिति में पीएस और पीएम दोनों बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में पीएस और पीएम दोनों के दोनों बराबर, यानी इसेंट्रिसिटी 1 पे आपको मिलेगी 1 लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। आपको एक लाइन मिलेगी जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास भी करे। अच्छा यहीं पर अगर अपन बात करें इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी, तो अपने आप देखिए इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी तो पीएस इज ग्रेटर देन पीएम, ये तो हमको बड़े आराम से मिल जाएगा इसका इंप्लीकेशन। ध्यान देखिए, अब देखो इस केस में पीएस अपॉन पीएम, देखो दो दो लाइनें मिलेगी, दो दो लाइन कैसे मिलेगी, दो दो लाइन कैसे मिलेगी सुनिए। पीएस अपॉन पीएम अगर ये रेशियो फिक्स कर दे, क्या फिक्स कर दे, पीएस अपॉन पीएम, जरा ध्यान से देखिए पीएस अपॉन पीएम ये रेशियो फिक्स कर दे और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अगर थीटा कह दे, क्या कह दे, थीटा, तो पीएस अपॉन पीएम बेसिकली और कुछ नहीं है, ये जो इसेंट्रिसिटी आएगी इस पर्टिकुलर केस में ये आपकी कोसेक थीटा के बराबर। देखिए साइन थीटा कितना होता, दिस अपॉन दिस, तो कोसेक थीटा दिस अपॉन दिस, तो वो कोसेक थीटा है। जितना थीटा एंगल ऊपर की ओर बन सकता है उतना ही थीटा एंगल नीचे की ओर भी हो सकता है। आइए अलग से एक डायग्राम बनाए, मान लीजिए यहां पर फोकस है एस, या अब आपने कोसेक थीटा, अब देखिए ध्यान से थीटा एंगल पर अगर एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे तो उसी थीटा एंगल पर एक लाइन आप ऐसे खींच सकते। दोनों ही केस में अगर आप कोई भी पॉइंट यहां पर लेते हैं पी और यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं एम, तो यहां पर भी पीएस अपॉन पीएम वही कोसेक थीटा आएगा, और यहां पर भी कोई भी पॉइंट अगर पी लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहां से भी पीएस अपॉन पीएम सेम थीटा निकल के आएगा।
अब की बार क्या मिलेगी, टू डिस्टिंक्ट लाइन। तो इस केस में आपको मिलेंगी टू डिस्टिंक्ट लाइन थ्रू फोकस। ये देखिए, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तो ये पूरा केस बनता है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा तो ये केस बनेगा। इस केस में देखो कोई कर्व नहीं मिला, कोई कोनिक सेक्शन नहीं मिला, या तो पॉइंट मिल रहा है या लाइन मिल रही है। इसीलिए जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तो इसको डी जेनरेट कोनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी जेनरेट कोनिक। इन डी जेनरेट कोनिक का मतलब है कोनिक नहीं जेनरेट हो पाया, कर्व नहीं बना, या तो पॉइंट मिल रहा है या कोई लोकस ही नहीं मिल रहा है, या सिंगल लाइन मिल रही है या पेयर ऑफ लाइंस मिल रही है। यानी यह जो पर्टिकुलर फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है, हमें इससे पॉइंट भी मिल सकता है, सिंगल लाइन भी मिल सकती है और पेयर ऑफ लाइंस भी मिल सकती है। अब दूसरा केस लीजिए, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं लाएगा। बहुत बढ़िया, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता तो आपको अब की बार कर्व दैट इज बड़े आराम से मिलता है कोनिक सेक्शन। अब इस केस में कैसा कोनिक सेक्शन मिलेगा? अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो आपको जो मिलेगा वो कहलाएगा हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी शुद्ध 1 है जो कर्व मिलेगा वो कहलाएगा पैराबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, जो कर्व मिलेगा वो कहलाएगा एलिप्स। ध्यान रखना, अगर आपको किसी ने फोकस डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी दे दी, अगर आपको किसी ने फोकस डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी दे दी और आपसे पूछा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी द्वारा, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये दो बातों पर निर्भर करेगा। कौन सी दो बातों पर? पहली बात फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है कि नहीं, और दूसरी बात इसेंट्रिसिटी क्या है। इन दो बातों को लेकर हम पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसे ध्यान रखना कि फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या क्या ज्योमेट्री दे सकता है, पॉइंट भी दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता, सिंगल लाइन दे सकता है, पेयर ऑफ लाइन दे सकता है और पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी दे सकता है। कॉपी कर लीजिए। तो अपन लोगों ने डेफिनेशन भी देखी और डेफिनेशन के साथ साथ ये भी देख लिया कि उस डेफिनेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, वह क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। मन में एक और सवाल आता है इसके अंदर कि चलो व्हाट इज कोनिक सेक्शन तो हम समझ गए, साथ में फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी काफी हद तक हम लोग समझ गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा। मैं बताता हूं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाई नेम कोनिक सेक्शन, क्यों नाम कोनिक सेक्शन। एक्चुअली कोन, कोन तो हम लोगों ने देखा ही है, आइसक्रीम आइसक्रीम खाई होगी, कोन देखा है, ये तो होता है कोन, और एक होता है डबल कोन। और तो डबल कोन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नाम की बता दूं, डबल कोन क्या मतलब, कोन और दो कोन मिला के बन गया डबल, दिस इज नोन एज डबल कोन, ये कहलाता है डबल कोन। इसका नाम कोनिक सेक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि कोन को अलग अलग तरीके से काटने पर ये कर्व मिलते हैं। क्या बोला मैंने? कोन को अलग अलग तरीके से काटने पर ये कर्व मिलते हैं। आओ थोड़ा समझ ले इसको। ये है कोन का एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इस एंगल को हम लोग थीटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? थीटा। लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा, या कुछ और कह देते, चलो इस एंगल को हम लोग अल्फा कह देते हैं। ये एंगल गिवन कोन के लिए फिक्स है। गिवन कोन के लिए क्या होगा? एंगल फिक्स, ठीक है। तो यह है एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या केवल कोन की एक्सिस भी आप कह सकते हैं। थोड़ा इमेजिन करें, कोन है आपके पास, डबल कोन है, या सिंगल कोन से भी काम बन जाएगा, कोई डबल कोन की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पेयर ऑफ लाइन को बेकार बात ना करनी। अच्छा सुनो, ध्यान, ये हमारे पास कोन है और ये हमारे पास उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये लाइन है एक्सिस
और ये है इसका वर्टेक्स, दोनों कोण का कॉमन वर्टेक्स। अब बात करते हैं इसकी, कंसिडर करो एक प्लेन। अब दो बातें हो सकती है, या तो जो प्लेन है, एक प्लेन अपन लेते हैं और एक रंग बिरंगी चौक ले लेते हैं। कंसिडर करो एक प्लेन और एक प्लेन, ये हमारा ऐसा कोई प्लेन कंसिडर करते हैं। दो बातें हो सकती हैं कि हमारा प्लेन जो है, जो हमारा प्लेन है, या तो इस कोन के वर्टेक्स से निकलेगा या इस कोन के वर्टेक्स से नहीं निकलेगा। अब थोड़ा थोड़ा सोचो, अगर हमारा प्लेन इस कोन के वर्टेक्स से निकल रहा है, समथिंग लाइक दिस, ये कोन का वर्टेक्स, तो 2D पर ऐसा दिखाई पड़ेगा। सोचो ये रहा कोन, ये हमारा प्लेन है, इसके ऊपर भी एक कोन और इसके नीचे भी एक कोन, ये। और यह जो प्लेन है, यह प्लेन जो एंगल एक्सिस के साथ बनाता है, ये प्लेन जो एंगल एक्सिस के साथ बनाता है, लेट अस कॉल इट एंगल थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब सुनते हो, अब या तो प्लेन इस वर्टेक्स से निकलेगा या प्लेन इस वर्टेक्स से नहीं निकलेगा, दो ही बातें होंगी। तो अपन पहला केस लेते हैं कि प्लेन पासेस थ्रू वर्टेक्स, प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास हो रहा है। मान लीजिए प्लेन वर्टेक्स से पास हो रहा है, चलिए बात करते हैं। अब बात करिए थीटा का, तो अब की बार प्लेन और कोन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होने पर ये जो प्लेन है और ये डबल कोन है, ये दोनों सिर्फ एक ही जगह कट करेंगे। कहां पर? सिर्फ उस पॉइंट पर। इमेजिन करो, अच्छा 90 डिग्री छोड़ो, क्या आप समझ गए होगे? अगर मैं इस प्लेन को ऐसे रोटेट करना शुरू करूं, ऐसे ऐसे, मान लो मेरे हाथ को देखो, यहां तक भी पहुंचा दूं, तो भी प्लेन और डबल कोन का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये पॉइंट। अगर मैं यहां तक भी पहुंचा दूं, तो भी प्लेन और इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, पॉइंट। लेकिन जैसे ही ये थीटा एंगल अल्फा के बराबर होगा, अब समझो यहां पर, इसका मतलब हो गया कि थीटा अगर 90 डिग्री से अल्फा से छोटा है, अल्फा से बड़ा है, गलत चिन्ह बना दिया, थीटा अगर 90 डिग्री से लेकर लेकिन अल्फा से बड़ा रहता है, अल्फा से बड़ा रहता है, तो आपको हर बार इंटरसेक्शन पॉइंट एक पॉइंट ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही थीटा डॉट अल्फा के बराबर होगा, अब आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा, ये कोन है ऐसे, और एक प्लेन है जो ऐसे ही जा रहा है, बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है। तो जब इसको टच करेगा, एक कट करेगा, तो आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी, ये वाली बस। तो आपको इस केस में मिलेगी 1। देखो समझो, ये प्लेन ऐसे था, मेरे हाथ को देखो, ये प्लेन ऐसे था, अभी भी कहीं नहीं काटा, कहीं नहीं काटा, कहीं नहीं काटा। जैसे डॉट अल्फा के बराबर होगा, तो प्लेन बिल्कुल इसको ऐसे टच कर रहा होगा, इस बिल्कुल। तो आपको दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो सिर्फ एक ये सिंगल लाइन है। और जैसे एंगल अल्फा से कम होगा, तो प्लेन इसको ऐसे दो जगह काट रहा होगा, दो लाइंस में। अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी होने लग गई, कहां से? अल्फा से छोटी होने लग गई। अब देखिए, जैसे ही थीटा, जो इसके साथ जो एंगल है, वो जैसे ही अल्फा से छोटा होगा, इसको दो जगह काट देगा। देखिए ध्यान से, इस प्रकार जो प्लेन होगा, वो डायग्राम बिगाड़ रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए बिगाड़ सकते हैं, ये प्लेन ऐसा होगा, ये ऐसे इसकी लाइन को ये प्लेन जैसे काट रहा होगा, तो प्लेन और इस कोन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा, वैसे दो लाइन्स आ रही होगी। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर अल्फा तक आपको मिलेंगी 2 डिस्टिंक्ट। ये देखिए, तो यहां पर इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए पॉइंट भी मिल रहा है
और सिंगल लाइन भी मिल रही है और टू डिस्टिंक्ट लाइन भी मिल रही है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पैराबोला या हाइपरबोला कहाँ गया, अरे वो भी आएगा। प्लेन की अपन दो स्थितियां लेंगे, कौन कौन सी स्थिति, या तो प्लेन इस वर्टेक्स से पास करता है या प्लेन इस वर्टेक्स से पास नहीं करता है। तभी अपन ने पहला केस लिया कि प्लेन वर्टेक्स से पास करता है। क्लियर है ये बात? थोड़ा थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा, जब तक ये प्लेन ऐसा रहेगा और ऐसे 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 घूमते तक अल्फा तक नहीं पहुंचेगा तब तक एक ही जगह काटेगा सिर्फ इस पॉइंट पर, लेकिन जैसे डॉट अल्फा के बराबर होगा तो एक ही लाइन काटेगा, बिल्कुल ये वाली लाइन यही। लेकिन जैसे आप अल्फा से एंगल्स को कम कर देंगे तो आपको दो लाइनें ऐसी इंटरसेक्शन कटिंग मिल जाएंगी। तो ये इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों पढ़ा, क्योंकि तो जितनी चीजें आपने अभी मैंने पढ़ाई थी कि भैया जो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, वो सारा जो जो भी वो रिप्रेजेंट कर सकती है वो सारी चीजें, वो सारी ज्योमेट्री हमको मिल सकती है बाई कंसिडरिंग एक डबल कोन, या सिंगल कोन से भी समझ सकते हो, एक कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑल द ज्योमेट्रीज दैट फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई थिंकिंग या बाई टेकिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कोन एंड अ प्लेन। क्योंकि कोन को अलग अलग तरीके से काटने पर वह ज्योमेट्री प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उन प्राप्त की गई ज्योमेट्री को कोनिक सेक्शन कहा जाता है। सेक्शन का मतलब सेक्शनिंग, उसका पार्ट, उसको काटना, कोनिक सेक्शन, कोन को काट के जो सेक्शन प्राप्त होता है वो कहलाता है कोनिक सेक्शन। ओके, अभी दूसरा केस बचा हुआ है पैराबोला या हाइपरबोला, कॉपी करो। तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि भाई इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों है, क्योंकि ये सेक्शन कोन से बनता है। लेकिन अभी तक अपन ने ये नहीं देखा कि कोन को कैसे सेक्शन करें कि हमको कर्व मिले। आओ वापस से उसी डबल कोन को कंसिडर करते हैं। डबल कोन को भी कंसिडर कर सकते हैं या सिंगल कोन से भी समझ सकते हैं। ये हमारा डबल कोन हो गया। डबल कोन कहने का मतलब है दो ऐसे कोन है जिनके वर्टेक्स को मिला दिया गया, एक कोन ऐसे मुंह ऊपर की ओर और दूसरा कोन ऐसे मुंह नीचे की ओर, और ये हमारे डबल कोन की एक्सिस है। चाहे डबल कोन कंसिडर करें चाहे सिंगल कोन कंसिडर करें, दोनों ही केस अपन बात कर सकते हैं। मतलब दोनों ही केसों में कोन को काटने पर आपको सारे कोनिक सेक्शन, सारे कर्व मिल जाएंगे। अभी अपन ने देखा जब जो अपना प्लेन है जो इसको काट रहा है वो वर्टेक्स से पास होता है, अब अपन वो केस लेंगे जब प्लेन डज नॉट पास थ्रू वर्टेक्स। अपन वो केस लेंगे जब प्लेन वर्टेक्स से पास नहीं करे। एक्चुअली अगर प्लेन वर्टेक्स से पास करेगा तो वो देगा डीजेनरेट कोनिक, यानी पॉइंट्स, लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। और जब ये प्लेन कोन को काटते हुए भी वर्टेक्स से पास नहीं करेगा तब ये देगा अपने को कर्व, कोनिक सेक्शन, जो कि अपन पढ़ेंगे। अच्छा चलिए कंसिडर करते हैं एक प्लेन और रंग बदल लेते हैं। कंसिडर करिए प्लेन, अब थोड़ा थोड़ा बस इमेजिन करना है, आप लोगों का इमेजिनेशन स्ट्रांग है, बस वो मैथ्स में आप यूज नहीं करते हैं। खैर कंसिडर करिए, आप इसको शेड देखो, मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है, ठीक लग रहा है। अच्छा कंसिडर करो एक प्लेन जो बिल्कुल ऐसे काट रहा है, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको हम लोग अल्फा कह देते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा कह देते हैं, और प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल है उसको थीटा कह देते हैं। अब सोचो अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो उस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसे क्या बनाएंगे, सर्किल। इस केस में प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। अब ऐसे थीटा को अपन कम करते आते हैं, ऐसे ऐसे प्लेन को टिल्ट करते आते हैं। जब आप ऐसे 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 प्लेन को टिल्ट करना शुरू करेंगे, ये प्लेन है और इसको ऐसे ऐसे टिल्ट करना शुरू करेंगे, थीटा धीरे 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 कम होने लग जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति होगी कि थीटा जो है वो अल्फा से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा।
यानी 90 डिग्री से कम कर दिया, लेकिन अभी भी अल्फा से बड़ा है, ऐसे केस में आपको मिलेगा इलिप्स। थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूं, यह हमारा कोन है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इस कोन को एक प्लेन ऐसे काट रहा है कुछ एंगल, और ये थोड़ी सी शेडिंग। अब की बार जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, इलिप्स। और जब ये एंगल कम करते 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 डॉट आप बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएंगे, यानी जब थीटा डॉट अल्फा के बराबर हो जाए तो आपको मिलेगा पैराबोला। और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी ही है। ये अब जब एक प्लेन बिल्कुल ऐसे काटेगा कि ये जो एंगल, जो सेमी वर्टिकल एंगल यहां आ रहा, वही का वही सेमी वर्टिकल एंगल यहां पर भी आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इस केस में शेड नहीं कर रहा, इस केस में जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ऐसा निकल के आएगा, एंड दैट विल बी पैराबोला। और अगर आप इसको और कम कर देंगे, यानी थीटा की वैल्यू अगर अल्फा से छोटी और जीरो तक भी जा सकती है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल, तो आपको मिलेगा हाइपरबोला ऐसे केस में। और कम कर देंगे यानी जो इसके बीच का एंगल है वो अल्फा तो होने पर पैराबोला, और अल्फा से भी कम कर देंगे तो मिल जाएगा हाइपरबोला। चूंकि ये जो तीनों के तीनों कर्व है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों की तीनों कर्व आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं एक कोन को अलग अलग एंगल पे काटने से, इसीलिए इनका नाम है कोनिक सेक्शन। कॉपी करो।